डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस के अंतर्गत हम इसकी पहचान, किस प्रकार के वाक्य या कार्यों को और उसके क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वो वाक्य आते हैं जिन वाक्यों के पीछे, हिंदी वाक्यों के पीछे चुका है, चुकी है या चुके हैं जैसे शब्द आए, या इसकी एक और पहचान होती है वाक्यों के पीछे आ, ई, ए की ध्वनि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आप यदि ध्यान से देखें तो चुका में भी आ की ध्वनि आ रही है, चुकी में भी ई की ध्वनि आ रही है और चुके में भी ए की ध्वनि आ रही है और साथ में आ रहा है। लेकिन चूंकि ये चुका है, चुकी है, चुके हैं स्पष्ट शब्द है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं है, लेकिन अंत में आप देखेंगे तो आ, ई, ए की ध्वनि आपको महसूस होगी और उसके साथ लास्ट में है आएगा। ध्यान से देखना है इन चीजों को, तो उस स्थिति में वो हिंदी वाक्य आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आइए अब हम बात करते हैं इस प्रकार के टेंस में कौन कौन से वाक्य शामिल करते हैं। सबसे पहला, ऐसे कार्य जो बीते हुए समय में पूर्ण हो गए हैं लेकिन उन कार्यों के पूर्ण होने का समय हमें पता नहीं है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि क्या किसी व्यक्ति का नाम लेकर क्या राम को देखा, तो हम बोलते हैं कि वो तो अभी अभी निकला है, निकला कब है ये पता नहीं, लेकिन उसमें हमने शब्द काम में लिया अभी या अभी अभी, उस स्थिति में वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। यानी वे कार्य जो घटित हो गए लेकिन घटित होने का समय का हमें पता नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यदि समय का पता हो तो वो सिंपल पास्ट का होता है, वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब ऐसा कार्य या घटना जो बीते हुए समय में यानी पहले हो गई है लेकिन अभी भी वर्तमान में उसका प्रभाव जारी है या जारी रहता है, तो उस स्थिति में वह वाक्य या कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक लॉकडाउन यानी संपूर्ण भारत बंद की घोषणा की है, घोषणा का कार्य हो गया है लेकिन अभी भी पूरा भारत बंद चल रहा है, इसका मतलब उस घोषणा का प्रभाव अभी जारी है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसके लिए हम हिंदी में प्रयोग करते हैं हाल ही में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा की है। क्लियर। तीसरी स्थिति, एक ऐसी घटना या ऐसे कार्य के लिए जो कि बीते हुए समय में पूरा हो गया है और उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी वो कार्य रिपीट हो रहा है, ऐसे कार्यों के लिए हम हिंदी में अब तक शब्द काम में लेते हैं। जैसे यदि मैं एक विद्यार्थी हूं और मैंने बोर्ड एग्जाम की कोर्स या बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कोई किताब पांच बार पढ़ी है तो मैं कहूंगा मैंने अब तक पांच बार किताब पढ़ ली है, यानी पढ़ने का कार्य पूरा हो गया लेकिन ये पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, बार बार, तीन बार, पांच बार रिपीट हो रहा है। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप दो बार जीत लिया है, यानी जीतने का कार्य बहुत पहले हुआ है लेकिन ये दो बार हुआ है और रिपीट हो रहा है, वापस होने की संभावना भी है, इस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है,
अफर्मेटिव। सभी टेंस के स्ट्रक्चर समान रहते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को छोड़कर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। तो ये हम स्ट्रक्चर में अभी देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। हैज कब आएगा? जब वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो, उस स्थिति में हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग जब वाक्य का सब्जेक्ट आई वी यू दे नेम्स या कोई प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो उस स्थिति में हम हैव का प्रयोग करते हैं। आइए इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने एक कार अभी अभी खरीदी है। आप हिंदी वाक्य के अंत में देखें खरीदी है यानी ई की ध्वनि के साथ क्या राय है। इस ध्वनि या शब्द के पीछे जो शब्द जुड़े रहते हैं वो उस वाक्य की वर्ब होती है। और जैसा कि आपको पता है वर्ब के साथ आप एक शब्द जोड़ दें हु यानी कौन, कौन खरीदता है या किसने खरीदी, तो आपका वाक्य का सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा कि पिताजी ने खरीदी, ये आपका सब्जेक्ट है। और पिताजी किसके? मेरे। तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपको सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गई, तो किसी भी प्रकार से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने में परेशानी नहीं आएगी। आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए या ध्यान में होना चाहिए, केवल हेल्पिंग वर्ब वर्ब चेंज होती रहती है टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। हैज या हैव? तो माई फादर क्या है? सिंगुलर, तो हम प्रयोग करेंगे हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना बाई, थर्ड फॉर्म बॉट। क्या खरीदी? एक कार अभी अभी यानी जस्ट नाउ, यानी मेरे पिताजी के कार खरीदने का काम पहले हो गया है लेकिन हाल ही अभी अभी हुआ है। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव के नकारात्मक स्थिति को बोलते हैं, यानी यदि कोई कार्य या घटना नहीं होने का भाव दर्शाती है तो वह स्थिति नेगेटिव सेंटेंस की होती है। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या प्रयोग कर दें? नॉट। बाकी आप देखें स्ट्रक्चर वो का वो है। आइए इसको भी हम एक हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाना सीख लें। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो आप देखिए अंत में या है यानी आ की ध्वनि के साथ है आया है और उसके साथ जो शब्द जुड़ा है वो क्या हो गई? वाक्य की क्रिया। अब किसने नहीं खाया है? मैंने नहीं खाया है यानी सब्जेक्ट हो गया आई। जब ये दो चीज आपको मिल जाती है तो आपका वाक्य ट्रांसलेशन आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई,
आई के बाद हैज या हैव तो क्या आएगा, हैव आई हैव खाया, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म खाने की ईटन, क्या नहीं खाया है, खाना, सॉरी आई हैव नहीं नॉट ईटन फूड अभी तक, येट, येट का मतलब अभी तक। एक शब्द और होता है सो फार, सो फार और येट, इन दोनों के अर्थ अभी तक का होता है, लेकिन अंतर यह है कि सो फार का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम येट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। आई होप आपको पूरा वाक्य या ये टेंस समझ में आ रहा होगा। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव से शुरू और बाकी सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी हेल्प सब्जेक्ट के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। ये कब काम में लेते हैं, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे क्या मैं तुमसे मिल चुका हूं, क्या मैं तुमसे मिल चुका हूं, तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो हैव आई, मिलना, थर्ड फॉर्म मेट, किससे, यू, क्वेश्चन मार्क, हैव आई मेट यू, क्या मैं तुमसे मिल चुका हूं। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड, जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यानी क्या मैं तुमसे मिल चुका हूं, इसका आंसर यस या नो में, जैसे हैव आई मेट यू, यदि मैं मिल चुका हूं तो यस, और वाक्य अफर्मेटिव में आई हैव मेट यू, नहीं तो नो, आई हैव नॉट मेट यू। क्लियर? अब है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये वाक्य या ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम उस समय प्रयोग करेंगे जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द आए, जैसे मेरे भाई ने एक किताब कब लिखी है, तो वाक्य के बीच में क्या आया है, कब, तो कब से संबंधित शब्द डब्ल्यू एच वर्ड वैन, वैन हैज माई ब्रदर, हैज क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरा भाई, वैन हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब लिखना, रिटर्न ए बुक, क्वेश्चन मार्क, तो कब लिखी है, तो उसका ये आ जाएगा या मंथ आ जाएगा या और कोई समय है वो आ जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, दिस लर्निंग चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, होप यू लर्न, यू गेट मेनी मोर थिंग्स, थैंक यू वेरी मच।